इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है। बड़ा एरोगेंट बनता था ये वो, मतलब इंडिया को उन्होंने बड़ा लिया हुआ था, इजी लिया हुआ था कि इंडिया टीम है ही कुछ नहीं, वो ही बस ठीक है एक वर्ल्ड कप क्या जीत जाते हैं, इन्हें लगता है कि यही जीत चले जाएंगे। उधर देखो इंडिया 3 में से 3 मैच जीत के सुपर सेमीफाइनल में चला गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करके और अच्छा। अभी आपने क्यों मारा ऐसे? एक मारे दूसरा खिलाड़ी अच्छा नहीं लगता। बहुत हसीन वो तो बिल्कुल जी आप हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानो। हमने भाई वायरल लड़की को पकड़ लिया जिन्होंने भाई पिछले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हमारा साथ दिया था। इस वक्त ग्लोबली और पूरी दुनिया में शर्मा जी का बेटा छाया हुआ है और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के बेटे और इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा के हवाले से बातचीत हो रही है। बल्कि रोहित शर्मा ने कंगारुओं को क्या धोया है यार, 92 रन, ठीक है समझ गया, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तालियां होनी चाहिए रोहित शर्मा के लिए और मेरी तरफ से लव यू ढेर सारा पूरी टीम के लिए। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था तो एक पाकिस्तानी लड़की अपने रोने के लिए काफी वायरल हुई थी, तो आज भी मैं पकड़ कर लाई हूँ उसी लड़की को, देखते हैं आज क्या करके दिखाएगी। कैसी हैं आप? बहुत हसीन वो तो बिल्कुल जी आप हैं। हमने भाई वायरल लड़की को पकड़ लिया जिन्होंने भाई पिछले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हमारा साथ दिया था। भाई मुझे ये बताइए, आज इंडिया ने जो है वो दुर्गत बना दी है ऑस्ट्रेलिया की और भाई सारे अपने बदले रिवेंज पूरे कर लिए, आज इंडिया की वहां बे इंतहा खुशी, क्या कहेंगे? देखिए ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही ललकारा था इंडिया को, उन्होंने कहा था कि लाइक हमारा बड़ा फेवरेट ओपोनेंट है, हमें इसको हराने में बड़ा मजा आता है, तो जब आप खुद शेर के पंजे में जाके हाथ मारेंगे तो वो छोड़ेगा तो नहीं ना। और बाकी रही बात इंडिया की, तो 4 कदम ऊंची छलांग मारने के लिए ना, ऊंची छलांग मारने के लिए 4 कदम पीछे आना पड़ता है। अगर वो मतलब रोहित नहीं चला, क्या उसका नाम विराट कोहली नहीं चला, तो रोहित ने प्रूव किया कि मतलब हम खेल सकते हैं, हम बड़े मैच आए हैं और हम ऐसे नहीं है कि अगर हमारा एक प्लेयर नहीं चलेगा तो आप ये समझ लेंगे आप हमें हरा पाएंगे। उनका एक नहीं चला लेकिन उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि भाई हम खेल सकते हैं, बदला पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया। और उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आपको एक तमाशा मुंह पर मारा है कि अब आप कहें कि हमारा फेवरेट ओपोनेंट है, अब आपको हार के कैसा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ना बड़ा एरोगेंट बनता था ये वो, मतलब इंडिया को उन्होंने बड़ा लिया हुआ था, इजी लिया हुआ था कि इंडिया टीम है ही कुछ नहीं, वो ही बस ठीक है एक वर्ल्ड कप क्या जीत जाते हैं, इन्हें लगता है कि यही जीत चले जाएंगे। लेकिन अब बड़ा अच्छा मजा आया, वन साइडेड नहीं लगा, जैसे विराट कोहली आउट हो गया था ना, विराट कोहली एक नाम है मतलब बैटिंग में, लेकिन ये चीज अच्छी लगती है कि प्लेयर एक आउट हो भी गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, कैप्टन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कैप्टन लिया, 8 छक्के मारे 7 चौके मारे और मजा आ गया। मतलब रोहित ने इतना, सभी टीम मेंबर्स ने कितना अच्छा खेला होगा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तो ये नहीं था कि अच्छा यार एक चले गया तो बाकी के खेल नहीं सकते थे, इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉलर्स को और बैट्समैन को आउट करना। मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 29 स्कोर 4 छक्के, भाई क्या कहेंगे उसने, तो उन्होंने बस बदला लिया विराट कोहली को 0 पे आउट कर और उन्होंने उस स्टेटमेंट का बदला लिया। मुझे लगता है इतना एरोगेंट हो गया, आपको बोलना नहीं चाहिए था, वो भी इंडिया जैसे मुल्क के खिलाफ, ये स्टेटमेंट अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ देते तो हम मान लेते, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये नहीं थी चलनी, इंडिया एक बड़ा पावरफुल कंट्री, नो डाउट वो स्किल बेस मेरिट पे आगे आता है, वो इस तरह आगे नहीं आता कि आप बैटिंग पे जीत जाएंगे, आप ये जीत जाएंगे। थ्रू आउट देखिए जिस तरह की रही है, फिर भी एक आपका अच्छा बैट्समैन 0 पे आउट हो जाना बड़ी मतलब डिप्रेशन आ जाता है, अच्छा हमें डिप्रेशन आ गया था बैठे बैठे, मुझे तो हार्ट अटैक आ गया था, ये हो क्या गया। बिल्कुल मुझे ये बताइए कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया की बारी, अर्शदीप ने पहले ओवर में जाके जो है वो विकेट निकाल दी वार्नर की, बुमराह ने भाई आखिर में जाके क्रूशियल विकेट निकाल ली, उसके बाद अक्षर पटेल ने भाई क्रूशियल विकेट निकाल ली, मतलब क्या इंडिया ने आज बॉलिंग में भी डोमिनेट किया, वो पूरा बदला लेने आया है उन्होंने, इन्हें बताया कि हम हैं बाप है, हम तुम्हारे सर हैं, हम भी बाप है, फादर साहब होता है और उस्ताद हमेशा उस्ताद रहेगा, बच्चा हमेशा बच्चा रहेगा, हमसे सीख के हमें ना सिखाएं आप लोग, ये सिर्फ 4 आप रन ज्यादा मार लेंगे तो आप ये को क्या लगता है कि आप इंडिया जैसी टीम को हरा पाएंगे। देखें जिस तरह एक बैट्समैन का मतलब, फिर भी एक विराट कोहली जैसे बैट्समैन के होते हुए 200 कर पाना पिच इतनी डिफिकल्टी, तभी तो ऐसा हुआ ना, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा ओवरऑल मैच बहुत आज खुशी हुई है इंडिया के जीतने की, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, बिल्कुल लगता है कि इंडिया जीत जाएगा फाइनल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तो और सपोर्ट है उनके साथ, इंडिया के साथ पूरी सपोर्ट है, पहले जब प्यार करते हैं। आज रोहित शर्मा ने क्या किया, मतलब धो डाला ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ऐसे एक्सपोज किया कि सारे बंदे मर गए आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के।
पहले मुझे बताया मैं प्यारी आ रही हूँ ना रोहित शर्मा को, कैमरे में बताओ मैं अच्छी आ रही हूँ ना यार, बता दो हाँ अच्छी लग रही हूँ। अच्छा रोहित शर्मा, पहली बात तो ये अच्छा लगा, मतलब रोहित शर्मा ने जैसे आज बैटिंग की है मुझे बड़ा मज़ा आया देख के। मतलब विराट कोहली मुझे लगा था कि जैसे वो बदला लेंगे, लेकिन ठीक है नहीं चले, बैड लक हो जाता है। मतलब हम भी तो पाकिस्तानी बींग है, पाकिस्तानी हमारी भी कभी कभार नहीं चलता, लेकिन जिस तरह उसने मतलब 90 स्कोर करना, 92 पे आना, सिर्फ 8 स्कोर का रह गया था और छक्के चौके जैसे मारे, बड़ा मज़ा आया। लाइक वो कहते हैं ना वन मैन आर्मी बन के वो शोल्डर पर आ गया, तो उसने पूरा किया कि हाँ यार मैंने बचा लिया। लेकिन अगर मैं वही सोच रही हूँ अगर विराट भी चल जाता तो पता नहीं कहाँ की कहाँ टीम चल जानी थी, लेकिन हाँ हेडमैन चल जाना था। लेकिन बड़ा मजा आया मैच देखे, फिर भी अभी भी हम शेकअप है, लेकिन अच्छा लगा मुझे। मतलब आज का मैच एक धमाकेदार मैच देखने को मिला। स्काई की बात कर ले, पांड्या की बात कर ले, स्पेशली पैट कमिंस, मतलब डबल हैट्रिक्स की उसने मैचेस के अंदर, लेकिन आज रोहित ने उसको 100 मीटर का छक्का लगा दिया। हाँ चल गया यही कह सकते हैं रोहित भी, लेकिन इतना धमाकेदार भी नहीं था वन साइड। अगर आप देखें जैसे विराट कोहली नहीं चले तो, अगर ना चलते ये भी ना चलते तो, जैसे विराट कोहली एक नाम है तो वो नहीं चल पाया, तो रोहित भी ना चलते तो साइड से बात प्रॉब्लम हो जानी थी। लेकिन हाँ वन मैन होकर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो अच्छा लगा कि मज़ा आया देखकर मैच। उन्होंने मतलब बिल्कुल 200 कोई स्कोर नहीं है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट, अभी भी हम खुद शेकअप है, ऑस्ट्रेलिया कोई हैवी टीम नहीं है, उसके खिलाफ स्कोर करना स्कोर है। लेकिन हाँ अच्छा नहीं था, इट वॉज नॉट गुड, लेकिन वो जितना टफ हो गया था विराट कोहली के जाने से तो उन्होंने बैलेंस कर लिया, मज़ा आया ओवरऑल अच्छी। आज जो मेरे दिल में ना वो मुझे बोलने दो, सब तो मैं ये पहले बोलूंगी, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इंडिया ने जीतना ही जीतना है, लेकिन फिर भी था कि भाई मैच तो होने दो, फिर हमें आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया जीता। इंडिया ने मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे चुपेड़े और अफगानिस्तान ने मारे थे ठुड्डे, और अब वो जो अपनी कंट्री में मुंह काला करवा के जाएंगे वो उनको मारेंगे गंदे। ऑस्ट्रेलिया का इतना बुरा हाल, पहले अफगानिस्तान ने और अब इंडिया ने, तो उन्होंने इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, धमकी दी थी उन्होंने, बोला था कि भाई तुम लोगों को तो हम हराएंगे, उन्होंने कहा भाई तू तो सड़े बच्चे लग दे हो। उन्होंने इतना रोहित शर्मा की बात करो ना थोड़ी, होए होए रोहित शर्मा ने क्या आज परफॉर्मेंस किया यार, मैं तो दिल्ली हार बैठी 7 और 8 पर। उनके जो चौके और छक्के थे ना वो उनके गेंदे नीचे ग्राउंड के बजाय आसमानों में लोग देख रहे थे, भाई कहां पे कौन सी बॉल गई है यार, दुनिया नहीं भूलेगी, दुनिया क्या भूलेगी। दुनिया को पहले ही पता था कि बहुत कुछ होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, लेकिन ऐसा कुछ होगा हमें आइडिया नहीं था। मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा, इंडियंस को चैलेंज करना आसान काम है कोई, ऐसा वैसा अब वो गया ना, अब वो चुप करके चला गया, और जो धमकियां दे रहा था उसने तो सर भी बेचारे ने नहीं उठाया, और ऑस्ट्रेलिया अब घर चला गया मुंह काला करवा के। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और उसने आज साबित भी कर दिया, प्रेशर लेने वाली टीम है ऐसे, और ट्रॉफी वही लेके जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ी टीम थी जो इंडिया के मुकाबले में हमें नजर आ रही थी, बाकी तो अब इंडिया के लिए चुटकियां बजाते बजाते वो सारे आउट हो जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है यार, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इंडिया ही जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और वो देखो मेरी जो विश थी वो पूरी हो गई। आज 6 मैच इंडिया ने जीत लिए, 6 की स्ट्रीक मेंटेन है जनाब। हाँ। पड़ोसियों की भाई, पड़ोसी बड़े ताकतवर है, वो उनके भी बाप थे और हमारे भी बाप है, बाप बाप ही रहता है और बेटा कभी भी बाप नहीं बन सकता, उन्होंने आज इस मैच में वो साबित करके दिखा दिया। हाँ। और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि यार बाप की इज्जत करनी चाहिए, बाप से कुछ सीखना चाहिए अगर वो कुछ सिखा रहा है, और उन्होंने ये पाकिस्तान को भी बताया और ऑस्ट्रेलिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जो अच्छा परफॉर्म करता है वो किसी की धमकियों से नहीं डरता। हाँ। वो अगले को मुंह तोड़ जवाब देता, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धमकी की इसी तरह से जवाब दिया। ने आज 140 करोड़ इंडियन के दिल जीत लिए, हमारे भी दिल जीते, प्यार करते हैं अपने अपने मुल्क से यार, उन्होंने अपनी ऑडियंस के भी दिल जीते। अगर वो इस बार हार जाते तो बहुत बुरा होना था, जिस तरह से हमारे क्रिकेटर से दिल ही उठ जाना था, इवन कि हम खुद इतना परेशान होकर बैठे हुए थे यार क्या होने वाला क्या, क्योंकि शुरू में बहुत बस गया था और लास्ट पे आके मुझे पहले ही पता था कि जब लास्ट आता है ना तो फिर इंडिया अपना वो कमाल दिखाता है जो चौके छक्के बचते हैं। और रोहित की बात कर ले, बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले इंडिया का हर प्लेयर ही, मैं कहूंगी वो अपने आप में किंग है, और जब भी किसी टीम के साथ उनका मुकाबला होता है वो हर इंसान तब अपने आप को मनवाता है, और हर टीम में हम किसी नए प्लेयर और हर टीम। जितना ज्यादा मजा आज का मैच देखते हुए आया था ना, उससे ज्यादा मजा इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने में आ रहा है, क्या बोलूं यार। बस इतना ही बोलूंगी, हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत तगड़ा रिवेंज लिया है, हमारे प्लेयर्स को दिल से सल्यूट, लव यू ढेर सारा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, यो यो किटवाई।